वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में और सिख राष्ट्र के बारे में। इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी यह एक तरफ सनातन बाबा जी सनातन धर्म का ढिंडोरा पीटते हैं और ऊपर से बयान देते हैं कि बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अरे हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहेंगे कि इस देश को वो बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बना देंगे और इस देश में जो बाकी पंथ धर्म जात के लोग रहते हैं उनको आप क्या कहोगे? अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदुओं को लेके हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो सिख अपना सिख राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे में इस देश के कितने टुकड़े और कितने बंटवारे होंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये आपको सोचना चाहिए। ऐसे ही बयान उन्होंने अपनी स्टेज से बहुत बार दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर पहले तो कोई विवाद नहीं पैदा हुआ था, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये बात कहनी शुरू कर दी है। किसी भी दिन मोदी जी रात को 8 बजे ऐलान कर सकते हैं कि आज से हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उस समय आप अपने हथियार लेकर तैयार हो जाना। अगर इस मुद्दे के ऊपर हम बात करें तो अगर पंजाब से या कोई सिख ऐसी बात करता है कि उसको खालिस्तान बनाना है, तो उसके ऊपर ये जो देश का मीडिया है ये उसको आतंकवादी कहता है, उसको टेररिस्ट कहता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत जब कहते हैं, इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, इस देश को कई भागों में बांटने की बात करते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो यही मीडिया चुपचाप बैठ जाता है। फिर ये उन्हीं संत जी को बार बार अपने टीवी पर दिखाता है, संत जी ने कहा हिंदू राष्ट्र, संत जी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, भारत में बनेगा हिंदू राष्ट्र। अब इस चीज को सारा ही मीडिया बहुत उछाल उछाल कर दिखा रहा है। अब ऐसे में क्या सरकार को ये नहीं दिखाई देता कि इससे आने वाले समय में माहौल बिगड़ सकता है? इधर धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उधर काफी सारे संगठन सिख राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब जिन्होंने सिख राष्ट्र बनाने की बात की, अगर मीडिया उनको गलत ठहराता है तो मीडिया इनकी बात चुप क्यों कर जाता है? जब भी ये सनातन का नाम लेके कहीं पर भी अपना प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम के पीछे ये अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं इस देश को बांटने का, देश के हिस्से करने का, देश में हिंदू राष्ट्र, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। इस देश को ये हिंदुओं का देश कहते हैं, क्या यहाँ पर और कोई जाति नहीं बसती? वैसे तो आप गुरुओं के भी बहुत गुणगान करते हैं पंडित जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि पंडित जी, यदि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस भारत के नक्शे के कई टुकड़े करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसे में मैं भारत के मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मीडिया जब सिख अपने देश की बात करते हैं, सिख चाहते हैं कि उनका एक अलग देश बने, तो वो उनको आतंकवादी, टेररिस्ट कहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है। ऐसे में बंदी सिख जेलों में बंद है। अगर सिख अपने हकों की बात करते तो वो बंदी सिखों की बात करते हैं, तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि ये आतंकवादियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सिखों के हकों के लिए कहीं पर भी आवाज बुलंद नहीं की जाती है। ऐसे में कोई हिंदू राष्ट्र का बयान दे देता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये मीडिया बढ़ चढ़कर उस बयान को दिखाता है, क्योंकि चैनल वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप सिर्फ एक बाबा के हिंदू राष्ट्र कहने पर उसको पूरे देश में आप दिखा रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस देश में जो अन्याय हो रहे हैं उनको दिखाएं, ना कि लोगों को इतने बड़े लेवल पर धर्म और जात के नाम पर लड़वाएं, ना ही लोगों को सिख और हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़वाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे काले और गंदे मीडिया को। लेकिन आज हमारा भारत काले अंग्रेजों के हाथ में पड़ा हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।